चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और झारखंड के उभरता युवा तुर्क नेता श्री प्रणव वर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विजय साहू जी, कोडरमा के जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र सिंह जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, श्री रवि मोदी जी, जदयू लोजपा और आसू के जिला अध्यक्षगण और इस धूप में भी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी सभी बहनों भाइयों मीडिया के साथियों, आज मई दिवस है तो मैं सर्वप्रथम मई दिवस के अवसर पर राज्य के समस्त मजदूर, राज्य के समस्त झारखंड वासियों को मजदूर दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी टाटा स्टील में एक मजदूर था और मजदूरी करते करते पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर आज इस मुकाम तक कि एक टाटा स्टील का मजदूर जो पहले टाटा स्टील की मजदूरी करता था, आज पूरे राज्य की मजदूरी करने का जिम्मेदारी राज्य की जनता ने हमें दी है और ये मजदूरी कर हमने 4.5 वर्ष में, ये आप खुद तुलना करें, राज गठन के बाद बहुत मुख्यमंत्री बने, लेकिन 4.5 वर्ष के पहले आपकी इस कोडरमा की स्थिति, चाहे वो शिक्षा संस्थान के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या आधारभूत संरचनाएं, सड़कों का जाल बिछाने के क्षेत्र में हो, घर घर बिजली पहुंचाने का, तो आप निष्पक्ष निर्णय लेंगे कि 4.5 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। हमें अभी झारखंड को और आगे ले जाना और इस आगे ले जाने के लिए केंद्र में एक मजबूत सरकार, केंद्र में एक निर्णय लेने वाली सरकार और जिस झारखंड को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उस अलग राज्य के जन्मदाता को ही दर्द होता है और ये दर्द हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को है और इसीलिए आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत झारखंड की धरती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। बहुत सारी योजनाएं देश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की धरती से शुरुआत की और यही कारण से विगत 2 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो कड़ी धूप में भी मैं इस कोडरमा संसदीय क्षेत्र, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की कार्यकर्ता और जनता को नमन करता हूं कि 2.5-3 घंटा के कड़ी धूप के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण को आपने धैर्य से सुनने का काम और मैंने उसी दिन समझ लिया था दुनिया की कोई ताकत कोडरमा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत को नहीं रोक सकती और उस क्रम में भाषण समाप्त होने के बाद एक हमारी बहन कामनी देवी जी का दुर्घटना से पैर टूट गया, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्दी स्वास्थ्य हो। भारतीय जनता पार्टी परिवार
उस परिवार के साथ है और कोई भी खर्च में कमी बेसी होगी तो यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के नेता उनकी चिंता करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व को एक परिवार मानती है और इसी परिवार में आज जिला परिषद के अनेक सदस्य आज पार्टी में शामिल हुए हैं। आरजेडी के अध्यक्षा वो भी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो मैं भाजपा परिवार में उन सब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस दिन अन्नपूर्णा देवी जी आई उस दिन पूरे राज्य में लालटेन बुझ गई। क्योंकि लालटेन ये कांग्रेस, ये जेएमएम और ये जो व्यक्तिवादी संगठन ने 67 वर्ष देश में राज किए, लेकिन इन 67 वर्ष की आजादी के बाद भी जो गांव में बुनियादी सुविधाएं, चाहे घर घर बिजली हो, पीने की पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, उन तक नहीं पहुंच पाई। और जहां झारखंड में 2014 में 68 लाख परिवार में मात्र 38 लाख घर में बिजली थी, इन सारे 4 वर्ष में हमारी सरकार ने कितनी तेजी से बिजली के क्षेत्र में काम किए कि 30 लाख घर में हमने बिजली पहुंचा दी है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, 67 साल में 38 लाख घर में बिजली और 4.5 साल में 30 लाख घर में बिजली। ये ठीक है कि बिजली अभी आ रही जा रही है, आंख मिचौनी की खेल हो रही है, लेकिन ये जो कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, ये डीवीसी के द्वारा बिजली सप्लाई हो रही है, इस पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारी हो रही है। और एक वर्ष के अंदर ये डीवीसी से हटाकर झारखंड विद्युत बोर्ड के द्वारा सीधे आपको बिजली आपूर्ति होगी, तो ये जो आंख मिचौनी का खेल हो रहा ये भी समाप्त होगी, गांव में भी 24/7 बिजली मिलेगी। इसके साथ साथ 23 मई जैसे ही समाप्त होगा, आचार संहिता खत्म और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है गांव और शहर के अंतर को खत्म करना, तो कोडरमा में जो आप वार्ड में स्ट्रीट लाइट देखते हैं 23 मई के बाद 24 मई से पूरे झारखंड के गांव में स्ट्रीट लाइट एलईडी लाइट लगेगी, ताकि हमारा गांव भी चक चक करे। इसकी पूरी योजना 14वें युद्ध तक का पैसा जो मोदी जी सीधे पंचायत को भेजते हैं, मुखियाओं से बात कर निर्णय सरकार ने ले लिए, आचार संहिता समाप्त होने के बाद 3 महीने के अंदर देखिएगा झारखंड का कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां स्ट्रीट लाइट जलती हुई नहीं, जहां पाइपलाइन के द्वारा पानी की सुविधा नहीं है, वहां सरकार ने निर्णय लिया। बजट में भी अगर आपने स्टडी किया होगा तो आप पाएंगे कि डीप बोरिंग कर 5000 गैलन ऊपर सोलर और 4-5 टीप देकर 32,500 गांव में पीएचडी विभाग के द्वारा कुछ क्षेत्रों में काम हुए हैं, ये सारे गांव में ये भी 23 मई से हर गांव में 5000 गैलन, अगर बड़ा गांव है तो 2-3 प्रोजेक्ट लगेंगे, छोटे रहेंगे तो एक। इस तरह हमारी दीदियों को, क्योंकि पानी का दर्द हमारी दीदी महिला ही पर ही गांव पर ही मिले, इसकी भी योजना पूरी बन गई है, ग्राम पंचायत स्तर पर टेंडर होकर ये काम भी शुरू हो जाएगी। उसी तरह गांव कीचड़, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत, तो हर गांव में फेवर ब्लॉक का सड़क,
का भी काम मई महीने